मुझे ऐसा लग रहा है कि जल रहा है। तो YouTube ने मुझे कुछ भेजा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल पूजाज कॉर्नर, और मैं हूँ पूजा। तो आप लोग मिस कर रहे हैं मुझे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे वीडियोस बहुत दिनों से चैनल पे नहीं जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों से नाराज भी हूँ, पर नाराजगी उतनी ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा मैं दूसरे काम में बिजी थी, इसलिए वीडियोस नहीं जा रहे थे, उसके लिए सॉरी। और आज अभी मैं बनाने जा रही हूँ क्या, पॉपकॉर्न, क्योंकि बारिश हो रही है बाहर। मैं आपको दिखा दूँगी कैसा मौसम है यहाँ का। बहुत मॉर्निंग से बारिश हो रही है और अभी इवनिंग के 4 बज रहे हैं, ठीक है। और खाना वाना हो चुका था, चाय बनाने की बात आई तो मैंने कहा आज मैं कुछ बनाती हूँ, कुछ कुछ अलग सा नहीं है। एक दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था ऑलरेडी पॉपकॉर्न, तो यही कुछ बचे हुए हैं पैकेट्स में, तो मैं इसको बनाऊँगी, क्योंकि और कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है कि कुछ और बनाए। लंच थोड़ा हैवी हो गया था, तो ऑयल वाला कोई पकौड़े तल नहीं सकते हैं, इसीलिए अब मैं इसको बना रही हूँ। और एक चीज़ और, आपको वीडियोस बहुत जल्दी मिलेंगे चैनल पे, फिर से ब्लॉग आएंगे, तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए। और बहुत जल्दी कुछ और भी आने वाला है। तो YouTube ने मुझे कुछ भेजा है, तो वो भी मेरे पास आ चुका है। मैं थोड़ी हैप्पी हो गई हूँ और मेरे पास थोड़ा एक अंदर से एक आ गया है कि नहीं, मुझे वीडियोज़ रोज़ रोज़ डालने हैं, तो बहुत जल्दी वीडियोज़ आपके पास आएंगे। तो चलिए पहले इसको देखिए। और इसको मैंने कर लिया है पूरी तरीके से गरम, गरम हो चुका है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, तो ऑयल आप देख लीजिए कितना डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ये देखिए मैंने इतना सा ही ऑयल डाला है। अब इसमें डालूंगी मैं सारी चीज़ें, जैसे कि इसको मैं कर देती हूँ धीमा। इसमें सबसे पहले पड़ेगा नमक, तो नमक देख लीजिए आप स्वाद के अनुसार। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे टर्मरिक, तो थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे जिससे इसका कलर अच्छा आ जाए। और ये पॉपकॉर्न जिसको मैं इसमें ऐड करूँगी, तो ये मैंने डाल दिया है। और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा चला लूँगी, तो चलाने के लिए मैंने कुछ लिया नहीं। और इसको उतना ही डालना जिसमें जितने में ये डूब जाए, ऑयल इतना ही डालना है। तो ये मैंने डाल दिया है और सारे डाल देंगे क्योंकि सब लोग खा लेंगे अच्छे से। ये मैंने डाल दिया है, मुझे थोड़ा नमक कम लगेगा तो इसमें मैं नमक भी डाल देती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है और इसको मैं कर दूँगी अब बंद कुकर को। तो बंद करने के पहले इसकी विशेल निकाल देनी है, और इसको निकालने के बाद बस इसको कर देना है बंद, और बीच बीच में इसको ऐसे ऐसे करके चलाते भी रहना है जिससे ये ना जले नहीं, बस। और ये देखिए, थोड़ी सी चाय बनानी थी क्योंकि दो लोग ही पियेंगे, इसलिए मैंने छोटे से इस पर बना दिया है, तो वो भी हो रही है बॉयल। तो जब तक में ये होगा वो भी तैयार हो जाएगा, और फिर मिलते हैं चाय और पॉपकॉर्न के साथ आगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जल रहा है, फिर भी मैं देखती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें खुशबू बहुत। जले नहीं है ये, तो मेरा अनुमान गलत था, और ये बहुत अच्छे से बन चुके हैं। तो चलिए करते हैं ट्राई। और कुकर को मैं करती हूँ ओपन, और मैंने इसको बीच बीच में ऐसे ऐसे ट्विस्ट करती रही हूँ, क्योंकि वो क्या होगा, तली पे जल जाएगा और ऊपर पे अच्छे से नहीं आ पाएगा। तो मैं इसको निकालती हूँ, और ये आप लोग देखिए कितने सारे पॉपकॉर्न बन गए हैं। तो इस मौसम में और इसका मजा, चलिए लेते हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया बने हुए हैं, और ये देखिए आप लोग, ये देखिए, और ढेर सारे एक कुकर बन गए, तैयार हो गए, इसीलिए मैंने बड़ी सी प्लेट ली है। और ये देखिए कितने सारे बन गए हैं, और अब मैं कर लेती हूँ, चलते हैं और खाते हैं पॉपकॉर्न विथ टी। तो अब हम लोग खाएंगे, और कैसा लगा ये छोटा सा ट्रिक, जब कुछ भी समझ में ना आए कि क्या बनाएं,
ऐसे पॉपकॉर्न के पैकेट जरूर रखने चाहिए। तो ये तो मैं ट्राई करने के लिए लाई थी और बहुत अच्छा निकला, मैं फिर से ला के रख लूंगी। तो बस लीजिए, आप लोग भी खाइए और आप लोग भी चाय पीजिए और बताइए कैसा बना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।